वेलकम बैक टू ओलंपिया क्लासेस गाइस, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग घर पर होंगे, स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं क्लास 12th में पिछले लेक्चर से आगे। पिछले लेक्चर पे बेसिकली हमने क्या पढ़ा था? हमने पढ़ा था कि यदि कोई चार्ज चुंबकीय क्षेत्र में गति करता है, यदि कोई चार्ज चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत गति करता है, कैसे गति करता है ध्यान देना। यदि आपकी मान के चलो कि चुंबकीय क्षेत्र बेटा किधर है, इनवर्ड है, अंदर की ओर है। अंदर की ओर का मतलब कैसे है? ये दीवाल की तरफ है। किधर तरफ है? दीवाल के अंदर के। ये इसकी क्या है? इनसाइड या इनवर्ड है चुंबकीय क्षेत्र। क्लियर है? ये क्रॉस साइन क्या दिखाता है कि चुंबकीय क्षेत्र बेटा किधर है? अंदर की ओर है। ठीक। अब यहां पर यदि कोई चार्ज आ रहा है, यदि कोई यहां पर एक कोई चार्ज आ रहा है, तो पिछले लेक्चर पे आपने क्या पढ़ा था कि यदि कोई चार्ज पर आवेश कितना है, क्यू है, और उसका द्रव्यमान कितना है, एम है, और वो बी वेग से बेटा क्या आ रहा है, इसके अंदर जो है प्रवेश कर रहा है। चुंबकीय क्षेत्र आपके पास कैसा है? अनंत है। तो यदि इसके अंदर जो है प्रवेश कर रहा है, तो ध्यान से समझना कि ये मान के चलो कि ये जो कैप है, ये जो मार्कर का कैप है, ये किसको दिखा रहा है? ये बता रहा है चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को। किसको बता रहा है? चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को। और ये जो वी, ये जो आवेश है, ये आवेश की दिशा ये बता रहा है। तो क्या है इन दोनों के बीच का एंगल बेटा कितना है? 90 डिग्री है ना, 90 डिग्री। तो यही से हम लोग क्या लिख देंगे कि ये एंगल कितना है बेटा? 90 डिग्री है। यानी कि यदि कोई आवेश चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत गति करे, कैसे गति करे? चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत गति करे, तो वह हमेशा कैसा मोशन कराएगा? सर्कुलर मोशन कराएगा। क्या कराएगा? सर्कुलर मोशन, हमेशा वृत्तीय गति कराएगा। कैसा कराएगा? ये सब आपको पता है, हमेशा वृत्तीय गति कराएगा। अब देखो, ठीक है, थोड़ा समझ लो क्यों कराएगा ये। अब हम इसकी डायरेक्शन देखने के लिए क्या चलते हैं? राइट हैंड पाम रूल, राइट हैंड दाहिने हाथ की हथेली के नियम की ओर चलते हैं। क्या कहता है यह नियम? क्या कहता है कि जिस डायरेक्शन में आपकी क्या हो, चुंबकीय क्षेत्र हो, उस दिशा में क्या होना चाहिए? दाहिने हाथ की अंगुलियों को होना चाहिए। तो दाहिने हाथ की अंगुलियां हमारी किधर हो गई? इस डायरेक्शन में, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में हो गई, अंदर की ओर है। क्लियर है? अब ये क्या कह रहा है कि जो दिशा है, जो आवेश के गतिमान की दिशा है, आवेश के गति की दिशा है, उस दिशा में आपका क्या होना चाहिए? अंगूठा होना चाहिए। किस हाथ का? दाहिने ही हाथ का। तो ये रहा हमारा, इधर ये हमने अंगुलियां कर लिया, आपका आवेश किधर जा रहा है? आवेश तो इधर जा रहा है, तो हमें भी अंगूठा किधर लाना पड़ेगा? उल्टा करना पड़ेगा, ये इधर करेंगे। ठीक है, तो अब ये हमारी हथेली जहां पर बेटा किधर पॉइंट कर रही है? ऊपर की ओर। यह हथेली हमारी किधर है? ऊपर की ओर है। यानी कि इसमें ऊपर की ओर क्या लगेगा बेटा? एक बल लगेगा। क्या लगेगा? बल लगेगा, एफ। यही क्या कहलाता है? मैग्नेटिक फोर्स। क्या कहलाता है बेटा? मैग्नेटिक फोर्स या चुंबकीय बल। क्या कहलाता है? चुंबकीय बल या मैग्नेटिक फोर्स, जो कहना चाहो। ठीक है, अब पहले बात समझना, यदि कोई आवेश यहां पर है, ठीक है, और ये इसकी गति इस तरफ है, ठीक है, अब लेकिन ये जो है इधर सीधा जाना चाहता है, लेकिन इसको जो है कोई पकड़कर सेंटर की तरफ खींच रहा है, ऊपर की ओर खींच रहा है, तो क्या ये इधर जाएगा इस रास्ते पे? नहीं जाएगा। ये थोड़ा सा अपने रास्ते से क्या होता जाएगा? डिफ्लेक्ट होता जाएगा, और एक तरीके से क्या बना लेगा? एक सर्कल बना लेगा बेटा। क्या बना लेगा? एक सर्कल बना लेगा, वृत्तीय गति करेगा। इस वजह से यह हमेशा क्या करता है? वृत्तीय गति करता है। यदि कोई आवेश चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत प्रवेश करता है, यदि कोई आवेश चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत प्रवेश करता है, तो हमेशा कैसी गति करेगा? वृत्तीय गति। और जो वह वृत्त बनाएगा, जो वह वृत्त बनाएगा, उसकी जो त्रिज्या होती है बेटा, उसकी जो त्रिज्या होती है, रेडियस बराबर कितनी होती है? एमबी अपॉन क्यूबी। ये R क्या है बेटा? त्रिज्या है। ठीक है, M क्या है बेटा? आवेश का द्रव्यमान, आवेश का द्रव्यमान है। ये V क्या है बेटा? V तो वेग है, लेकिन कौन सा वेग है? परपेंडिकुलर वेग है। कैसा वेग है? परपेंडिकुलर। भाई लंबवत आ रही है ना, चुंबकीय क्षेत्र इस दिशा में, वेग हमारा इस दिशा में, तो कौन सा वेग आपको ये वृत्तीय गति करा रहा है? लंबवत वेग। तो ये वेग तो है, तो कैसा है? ये लंबवत वेग है, लंबवत वेग है। लंबवत वेग का मतलब किससे ये लंबवत है? चुंबकीय क्षेत्र से लंबवत है। v क्या है?
चुंबकीय क्षेत्र है, क्या है? चुंबकीय क्षेत्र है। क्यों क्या है? आवेश। क्लियर? अच्छा, ये चीजें हमने पिछले पर देख लिया था। अब यहां पर हमने क्या देखा था? एक टाइम पीरियड भी देखा था, आवर्तकाल। T बराबर क्या होता है? आवर्तकाल बराबर या समय बराबर क्या होता है? दूरी बटे चाल। दूरी बटे चाल। बेटा यहां पर दूरी कितनी है मुझे ये बता दो, 360। दूरी कितनी है? वृत्त की परिधि कितनी होती है? वृत्त की परिधि 2 पाई आर। कितनी होती है? 2 पाई आर। क्लियर है? वृत्त की परिधि कितनी होती है? 2 पाई आर। तो ये इतनी ही दूरी तो चल रहा है। आवर्तकाल का क्या मतलब है? एक चक्कर लगाने में लगा समय। आवर्तकाल का मतलब क्या? यही तो है कि एक चक्कर में आप कितना समय लगा रहे हैं, वही क्या कहलाता है? आवर्तकाल कहलाता है। यानी कि T बराबर क्या हो जाएगा? दूरी बटे चाल। दूरी बटे चाल। तो यहां से दूरी बेटा कितनी हो जाएगी? वृत्त की, वृत्त में कितनी दूरी, परिधि उसकी। यहां से वृत्त को आपने क्या कर दिया? काट दिया। ये मान के चलो कि ये तार है और इसको क्या कर देंगे? फैला देंगे। तो उसकी लंबाई कितनी होगी? वृत्त के परिधि के बराबर। तो कितनी हो जाएगी? 2 पाई आर डिवाइडेड बाई चाल। बेटा कितनी है? वी है। ठीक है, तो 2 पाई आर बेटा कितना है? एम वी अपान क्यू वी। ये तो आर की वैल्यू हो गई इंटू वी, तो वी से वी मर गया। यानी कितना आ गया? 2 पाई एम अपान क्यू वी। ध्यान से देखो, ये आवर्तकाल क्या आपका चाल पर निर्भर कर रहा है? नहीं कर रहा है। ठीक है, आवर्तकाल आपका चाल पर निर्भर नहीं करता है। चलिए, तो आज हम इसी पर बेस्ड कुछ दो चार क्वेश्चन करते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। क्लियर है? चलो, लिखिएगा। क्वेश्चन है एक, क्या लिखना है कि एक अल्फा का 5 मीटर पर सेकंड के वेग से चुंबकीय क्षेत्र चुंबकीय क्षेत्र 2 टेस्ला से 30 अंश के कोण पर अंदर जाता है इस आवेश के गति करने का पथ बताइए तथा यदि यह वृत्तीय गति करे तो इसकी त्रिज्या ज्ञात कीजिए। चलो, पॉज करके ट्राई करने की कोशिश करो। आई होप आप लोगों ने ट्राई किया होगा। देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, सॉल्यूशन ध्यान से समझना। हमने मान लिया कि चुंबकीय क्षेत्र बेटा किधर है? आपकी इस डायरेक्शन में। ठीक है, कोई बात नहीं, चुंबकीय क्षेत्र आपकी इस दिशा में। चुंबकीय क्षेत्र को बेटा किससे दिखाते हैं? बी से। ठीक है, अब कह रहा है कि ये कितना है? बी बराबर 2 टेस्ला है। कितना है? 2 टेस्ला है। क्लियर है? अब कह रहा है कि एक अल्फा कण, अल्फा कण का मतलब अल्फा कण में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? अल्फा कण में आवेश,
कितना होता है बेटा अल्फा कण में आवेश? दो इलेक्ट्रॉन के बराबर होता है। कितना होता है? दो इलेक्ट्रॉन के बराबर। और ये दो जो इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है? एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है 1.6 × 10⁻¹⁹। तो कितना हो जाएगा? 3.2 × 10⁻¹⁹। यहां तक क्लियर हुआ? चलो बहुत बढ़िया। अब देख लेते हैं कि ये जो आपका अल्फा कण है, अल्फा कण का बेटा द्रव्यमान कितना होता है? पिछले क्वेश्चन से यदि आप ध्यान करोगे तो अल्फा कण का द्रव्यमान कितना होता है? 4m होता है। कितना होता है? 4m। कितना होता है? 4m। ठीक है, अल्फा कण का जो द्रव्यमान होता है वो बेटा कितना होता है? 4m होता है। क्लियर है? m बराबर क्या हो जाएगा आपका? अल्फा कण का द्रव्यमान। ठीक है, और ये m जो है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन के बराबर। तो एक इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कितना होता है? इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान 9.31 × 10⁻²⁷ kg। ठीक है, चलिए ये इंफॉर्मेशन आपको यदि पेपर में दे दो तो अच्छी बात है, नहीं दे तो याद रहना चाहिए। क्लियर? अब देखो बेटा क्या हो जाएगा, क्या कह रहा है कि इस पर जो है एक अल्फा कण है। तो हमने मान लिया कि ये रहा है अल्फा कण, ठीक है, इसके अंदर गति कर रहा है। अब कितने कोण पर प्रवेश करता है? 30 डिग्री के एंगल पर। तो 30 डिग्री के बेटा एंगल पर ये कितने वेग से प्रवेश करता है? 5 m/s के वेग से ये इसके अंदर प्रवेश करता है। ठीक है, और ये एंगल कितना है? थीटा। और थीटा बराबर कितना है बेटा? 30 डिग्री। क्लियर है? तो अभी मैंने बताया कि यदि ये जो एंगल है इसके, ये जो वेलोसिटी है, वेग है, इसके दो कंपोनेंट कर सकते हैं। एक कंपोनेंट हम क्या कर सकते हैं? v cos थीटा, जिससे थीटा लगा होता है वो वाला किस में आता है? cos थीटा में। और एक आता है जो उसके परपेंडिकुलर होता है, v sin थीटा। ये क्लास 11th की चीज है, ठीक है। v cos थीटा के कारण ये क्या होगा बेटा? ये हमेशा आगे बढ़ेगा। कैसे बढ़ेगा? आगे बढ़ेगा, ये कोई मुद्दे की बात नहीं है। ठीक है, चलो अच्छी बात है। तो ये कैसे बढ़ेगा? आगे की ओर बढ़ेगा। तो v cos थीटा के कारण ये, भाई वेलोसिटी किधर है? x एक्सिस में कितना है? v cos थीटा है, लिखेगा x अक्ष में वेग कितना है? v cos थीटा। यानी कि बेटा कितना हो जाएगा ये? v cos थीटा कितना हो जाएगा? ये v का मान तो 5 है, cos थीटा का मान 30। और cos 30 की वैल्यू √3/5√3/2 m/s। क्लियर? अब इसी तरीके से y अक्ष में वेग कितना हो जाएगा? v sin थीटा, यानी कि 5 sin 30। ये कितना हो जाएगा बेटा? 5/2 m/s। कितना हो जाएगा? 5/2 m/s। क्लियर? अब आपको पता है कि वृत्तीय गति किसके कारण होती है बेटा? पहली बात तो इसका क्या बताना है? पथ बताना है। क्या बताना है? पथ बताना है कि ये कैसे गति करेगा। पहले बात समझो, ये एक्स डायरेक्शन में, मैंने आपको पिछले लेक्चर में बता रखा हूं कि यदि एक्स डायरेक्शन मतलब चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में वेग है तो वो सीधे डायरेक्शन में आगे निकल जाता है, बता चुका हूं। और यदि वेग क्या है? चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत है तो कैसे गति करता है? वृत्तीय गति करता है। कैसे गति करता है? वृत्तीय गति करता है। तो आपका जो पथ होगा बेटा, जो रास्ता होगा वो कैसा होगा, मतलब ध्यान से समझना,
ठीक है। रास्ता कैसा है बेटा, ये तो आपका एक सीधी रेखा में भी चल रहा है, ध्यान समझो, ये इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, जो अल्फा कण है सीधी रेखा में भी चल रहा है और क्या कर रहा है, साथ में वृत्तीय गति भी कर रहा है, क्योंकि ये तो कैसा है, समांतर वेग है, ठीक है, पैरेलल है, और ये कैसा है, परपेंडिकुलर है, ये परपेंडिकुलर वेग है किसके, मैग्नेटिक फील्ड के। तो यहां से ये क्या करेगा बेटा, ये सर्कुलर मोशन भी कर रहा है और आगे भी बढ़ रहा है, सर्कुलर मोशन भी कर रहा है और आगे भी बढ़ रहा है, यानी कि ये कहीं कुछ ऐसा करेगा, हेलिकल पाथ कैसा होगा, ये हेलिकल पाथ, कुंडलिनी गति करेगा, कैसे करेगा, कुंडलिनी गति करेगा, कुंडलिनी पथ होगा, रास्ता होगा, ठीक है, छापो इसे, फिर इसकी त्रिज्या ज्ञात करते हैं। तो अब बेटा अब क्या करना है, अब इसकी हमें क्या निकालना है, त्रिज्या निकालना है, त्रिज्या बराबर मैंने क्या बताया था, Q बराबर mv अपॉन Q इंटू वी, यही बताया था, थोड़ा ध्यान से समझना। तो m जो है बेटा वो तो द्रव्यमान है, v क्या है, वेग है, लेकिन कौन सा वेग है, लंबवत वेग है, तो लंबवत वेग यहां पर कौन सा है, v sin थीटा, यानी कि ये हो जाएगा m v sin थीटा डिवाइडेड बाय q v। तो यहां से m की वैल्यू कितना था, 4m, तो 4 गुणे m की वैल्यू 9.31 गुणे 10 की पावर -27 गुणे वेग कितना है, 5 है, sin थीटा कितना है, 30 है, sin 30 की वैल्यू 1/2, q की वैल्यू कितनी है बेटा, 3.2 गुणे 10 की पावर -19 और गुणे v, v कितना है बेटा, 2 टेस्ला, ठीक है, इसको आप सॉल्व कर लोगे ये आपकी त्रिज्या आ जाएगी, ठीक है, चलो सॉल्व कर लो। तो ये कट गया, 4 से 4 मर गया, चलो अब यहां से देखो, तो ये तो लगभग कितना है, ये 32 है, 3.2, और ये कितना है, 9.31, तो 3 त्रिकाई 9, लगभग कितना बार जाएगा, काटो काटो काटो, 32 3 96 होता है, चलो लगभग अप्रोक्सीमेटली ये आ जाएगा 2.7 के आसपास, 2.7 गुणे 19 ऊपर जाएगा, तो 19 में से 27 चला जाएगा, तो कितना बचेगा भाई, ये 19 ऊपर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, होगा, तो यहां से ये ऊपर जाएगा तो 27 में से 19 घटा दो, कितना बचेगा, 9, तो गुणे 10 की पावर माइनस कर 9 गुणे 5, ठीक है, और ये कितना हो जाएगा, 5 × 10 27 × 54, ये कितना हो जाएगा, 5.4, एक मिनट, ये 5 × 35 की 5 हंसीला वो 3 और 5 × 10 = 13, यही आ गया, एक अंक बाद 10 × 10⁻¹⁹, ये मीटर आपकी क्या आ जाएगी, 19 का है कुल 9, मीटर आपकी क्या आ जाएगी, रेडियस, छाप लो, दैट्स योर आंसर, क्लियर। चलिए फिर देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन, सॉल्यूशन देखो क्या कह रहा है बेटा, ध्यान से समझना, क्या कह रहा है कि एक आवेशित कण है जिसका वेग कितना है, v बराबर v1 i cap प्लस का v2 j cap के वेग से चुंबकीय क्षेत्र v वेक्टर v बराबर v i cap में गति कर रही है या कर रहा है, इस आवेश का पथ बताना है, त्रिज्या बताना है, आवर्तकाल बताना है, तथा हमें क्या बताना है बेटा, पिच बताना है। तो देखो करना क्या है कि हमने मान लिया कि आपकी ये आई कैप क्या बताता है बेटा, आई कैप यह बताता है कि आपकी जो दिशा है वो किधर है, एक्स डायरेक्शन में है, एक्स के लिए आई कैप, वाई के लिए जे कैप और जेड के लिए के कैप से दिखाते हैं, ये आपको पता है। तो हमने मान लिया कि ये माना क्या है, ये तो आपको दिया हुआ है कि चुंबकीय क्षेत्र जो है बेटा वो वी वेक्टर वी बराबर कितना है, वी आई कैप है, ये आई कैप की दिशा में। चलो अब कह रहा है कि जो v है वेलोसिटी है, वेलोसिटी वेक्टर वो आपका दो तरीके से दिया हुआ, कितना दिया हुआ, दो तरीके से, यानी कि जो आपका v दिया हुआ है, इधर यदि आप ध्यान से देखोगे तो मान लिया कि ये आपका कण है जिसका आवेश q तथा द्रव्यमान कितना है बेटा, m है, ठीक है, यहां से देखोगे तो x में इसकी कितना वेग है बेटा,
बी वन वेग है, तो एक्स डायरेक्शन में, यानी कि एक्स डायरेक्शन का मतलब क्या हुआ, बी की ही डायरेक्शन में कितना वेग है बेटा, बी वन है, की वन कितना है, बी वन है, और वाई डायरेक्शन में कितना है बेटा, बी टू है, तो ये वाई डायरेक्शन में वेग बेटा कितना हो गया आपका, बी टू हो गया, क्लियर है, चलो बहुत बढ़िया। और इस इनका दोनों का रिजल्टेंट ये वेक्टर बी है, ये वेक्टर बी बराबर कितना है बेटा, बी वन आई कैप प्लस का बी टू जे कैप, ये क्लियर है। अब क्या कह रहा है कि इस आवेश का बेटा हमें पथ बताना, ध्यान से समझना, ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में आवेश बेटा आपका बी वन वेग से आगे बढ़ रहा है, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में आवेश बी वन वेग से आगे बढ़ रहा है, यानी कि यह कैसा है, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा के समांतर है, तो यदि समांतर वाला कोई वेलोसिटी का कंपोनेंट है तो वो कैसे गति कराता है, स्ट्रेट लाइन, ठीक है, एक सीधी रेखा में चलेगा, ये आवेश इस डायरेक्शन में सीधा चलाएगा, और जो लंबवत वेग है वो बेटा क्या करवाता है, वृत्तीय गति करवाता है, क्या करवाता है, वृत्तीय गति, तो यहां पर साफ साफ दिख रहा है कि ये सीधे भी चल रहा है और वृत्तीय गति भी करेगा, तो यानी कि पाथ क्या हो जाएगा आपका, हेलिकल पाथ हो जाएगा, कैसा पथ हो जाएगा, हेलिकल पथ, तो रास्ता तो मैं यहां से लिख दे रहा हूं कि B1 आपका कैसा है, B1 चुंबकीय क्षेत्र के समांतर है, चुंबकीय क्षेत्र के समांतर है, अतः यह आवेश को सीधी रेखा में चलाएगा, क्लियर। V2 आपका कैसा है, चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत है, चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत है, अतः यह आवेश को वृत्तीय गति कराएगा, क्या कराएगा, वृत्तीय गति कराएगा। अब बात समझ में आई कि ये कैसा चल रहा है, ये सीधी रेखा में भी चल रहा है और वृत्तीय गति भी कर रहा है, यानी अब आपका जो पथ होगा वो क्या होगा बेटा, हेलिकल होगा, बात समझ में आई, क्योंकि ये देखो ये ऐसे बढ़ेगा, वृत्तीय गति भी किया और आगे भी बढ़ रहा है, बात नहीं समझ में आ रही कि ये वृत्तीय गति भी कर रहा है और आगे भी बढ़ रहा है, तो यानी कि पाथ बेटा कैसा हो जाएगा, पाथ विल बी हेलिकल, हेलिकल पथ होगा, चलो बहुत बढ़िया। अब यहां से क्या बताना है बेटा, त्रिज्या बताना है, तो त्रिज्या किसकी होती है भाई, वृत्त की तो त्रिज्या होती है, तो चुंबकीय क्षेत्र के कौन सा, बी टू लंबवत है ना, तो यानी कि आपको त्रिज्या बराबर बेटा क्या पता है, एम बी अपान क्यू बी, तो यहां से बी बेटा कौन सा बी होगा, लंबवत कौन सा है, बी टू लंबवत है, तो यहां पर त्रिज्या बराबर क्या हो जाएगा, एम बी टू अपान क्यू बी, तो ये आपकी त्रिज्या हो गई बेटा। अब आपका क्या कह रहा है, आवर्तकाल, आवर्तकाल बेटा टी कितना होता है, टी बराबर 2 पाई आर डिवाइडेड बाय चाल, 2 पाई आर डिवाइडेड बाय चाल, आवर्तकाल किसे कहते हैं, आवर्तकाल तो एक वृत्त के लिए भी तो निकालते हैं कि नहीं निकालते हैं, आवर्तकाल का मतलब है कि यदि कोई कण अपनी स्थिति को बार बार क्या करता है, दोहराता है, अपनी पोजीशन को बार बार दोहराता है, तो उस पोजीशन को जहां से शुरू किया वहां तक आने में कितना समय लगता है वो क्या कहलाता है आपका, आवर्तकाल कहलाता है। तो यहां से तो ये कितना है, आवर्तकाल आया था आपने अभी निकाला था 2 पाई एम डिवाइडेड बाय क्यू बी, तो ये तो निर्भर ही नहीं कर रहा है, ये तो इतना ही आएगा, ठीक है, द्रव्यमान एम ही है, आवेश क्यू ही है, मैग्नेटिक फील्ड बी है, ठीक। अब किसके लिए, अब क्या बताना है बेटा, पिच बताना है, क्या बताना है, पिच बताना, पिच बराबर बेटा होता है, पिच बराबर होता है, देखो पिच का मतलब क्या है कि यहां से, पिछले लेक्चर में वैसे मैं बता चुका हूं, ये होती है पिच, ये जो दूरी होती है ये क्या कहलाती है, पिच कहलाती है, ये वाली दूरी, ये वाली दूरी, ये वाली दूरी सब क्या है, ये पिच है, मतलब यहां से यहां तक की दूरी बेटा क्या कहलाती है, पिच कहलाती है। तो ये दूरी कहां से पता चलेगी, दूरी बराबर बेटा क्या होता है, आप एक्स डायरेक्शन में आ रहे हो ना भाई, ये दूरी किधर नाप रहे हो, एक्स में ही तो नाप रहे हो, तो एक्स डायरेक्शन का वेग गुणे समय, वेग गुणे समय, तो एक्स डायरेक्शन में बेटा कितना वेग है, समांतर वाला बी वन,
तो V1, और बेटा समय कितना लग रहा है, समय तो यही लग रहा है इंटू टू पाई एम डिवाइडेड बाई क्यू वी, ये आपका हो गया, फिर छाप लो। बेटा अगला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है, एक आवेशित कण है बेटा जिसका द्रव्यमान कितना है m है और आवेश कितना है बेटा q है, कह रहा है कि उसका वेग कितना है बेटा 6i कैप प्लस का 8j कैप के वेग से चुंबकीय क्षेत्र 20k में गति कर रही है, इस आवेश का पथ बताना है बेटा, त्रिज्या बतानी है, आवर्तकाल बताना है और पिच बताना है। देखो थोड़ा ध्यान से समझोगे तो यह क्वेश्चन समझ में आ जाएगा, थोड़ा सा भेजे लगाओ क्या कह रहा है। देखो यहां से कुछ पता चल रहा है, यानी यहां से देखो एक चीज शॉर्ट ट्रिक बता रहा हूं, ध्यान समझना, यहां आई कैप है और जे कैप है, यहां क्या है के कैप, क्या यहां पर यदि इन दोनों यदि वेग आपके एक्स अक्ष में हो वाई एक्स में हो जेड एक्स में हो कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन यदि चुंबकीय क्षेत्र यदि आपकी उस डायरेक्शन में नहीं है, कान खोल के सुन लो, ये 6i कैप प्लस का 8j कैप है, ये क्या है 20k कैप है, यानी कि i का मतलब क्या है x डायरेक्शन, j का मतलब क्या है k डायरेक्शन, j का मतलब है y डायरेक्शन और k का मतलब क्या है बेटा z डायरेक्शन, तो ये चुंबकीय क्षेत्र बेटा आपकी किस डायरेक्शन में है z डायरेक्शन में, और यहां पर ये किस में है x और y में, तो ध्यान से समझो यदि इन दोनों की दिशा सेम नहीं है तो कुछ नहीं करना है, सीधे सीधे क्या कर देना, आपको बता देना कि ये कैसा गति करेगा, वृत्तीय गति करेगा, खत्म बात, क्या करेगा वृत्तीय गति करेगा, रीजन देखो क्योंकि इसको चुंबकीय क्षेत्र के समांतर वाला तो कुछ मिलेगा ही नहीं ना, चुंबकीय क्षेत्र के समांतर बेटा गति कब मिलती, जब यहां पर चुंबकीय क्षेत्र के समांतर दिशा वाला कुछ वेक्टर दिया रहता, ठीक है, क्योंकि यहां पर चुंबकीय क्षेत्र के समांतर कुछ भी नहीं है, इस वजह से वो सीधी गति नहीं करेगा, तो आपको मतलब अब बोलोगे आप कैसी गति करेगा, तो भाई ये आई और जे के कैसे हैं, परपेंडिकुलर हैं, कैसे हैं देखो ध्यान समझो, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस और ये जेड एक्सिस, जेड एक्सिस मैंने नीचे नहीं दिखाया है, जेड एक्सिस आपकी तरफ आ रही है, ये एक्स ये वाई और ये क्या हो गया आपका जेड एक्सिस, तो ये तीनों एक दूसरे के लंबवत हैं, ध्यान समझो ये कैसे हैं, तीनों एक दूसरे के लंबवत हैं, ये x एक्सिस ये y एक्सिस और ये z एक्सिस, तो ये जब तीनों एक दूसरे के लंबवत हैं तो ध्यान से समझो तो क्या हो रहा है, क्या इस वाले का वेलोसिटी का कोई भी कंपोनेंट, वेलोसिटी तो आपकी इस प्लेन में है, तो इस प्लेन के चाहे किधर भी आप कोई भी लाइन खींच दो ये इस वाली रेखा के कैसी होगी, परपेंडिकुलर होगी, और परपेंडिकुलर हमेशा क्या करता है वृत्तीय गति कराता है, परपेंडिकुलर हमेशा क्या करता है वृत्तीय गति कराता है, तो ये चीज ध्यान देना कि यदि यहां पर i कैप और j कैप है, ठीक है कोई फर्क नहीं पड़ता, यहां पर j कैप और k कैप दे देता, यहां पर i दे देता कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है, लेकिन यहां पर ये चीज देख लेना थोड़ा सा भेजा लगा के कि यहां पर ये है क्या k कैप है और यहां पर क्या है i कैप और j कैप है, ठीक है, यानी कि इन दोनों को चेंज होना चाहिए, मतलब ये जो चुंबकीय क्षेत्र है यदि इनसे क्या है विपरीत है तो कुछ नहीं करना है, सीधे सीधे यही लिख देना है कि ये कैसी गति करेगा वृत्तीय गति करेगा, क्लियर है, अब देखते हैं क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है, तो ये समझ में आ गया ना, चलो अब x डायरेक्शन यहां पे फिगर में बना लेता हूं, तो ये b कितना हो जाएगा 20 k कैप है, यहां पर ये 6i, ये x डायरेक्शन में कितना बेटा 6 है 6i कैप, और y डायरेक्शन में कितना बेटा ये वेग इसका, मैं इसको b1 कर दूं ना बेटा, ये b1 बराबर 6, b2 बराबर कितना 8, क्लियर, अब ये लाइनें यार आप किधर भी खींचो तो इनका जो कंपोनेंट आएगा वो कितना आएगा बेटा, ध्यान समझो तो इनका रिजल्टेंट ये कितना आ जाएगा, ये भी 8 होगा क्योंकि ये तो समांतर आया है, तो ये और ये कितना हो गया 8 और 6, तो ये वाला कितना आ जाएगा स्क्वायर होके, पाइथागोरस में क्या होता है कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस का आधार का स्क्वायर, तो बेटा कितना हो जाएगा 8 का स्क्वायर प्लस का 6 का स्क्वायर बराबर कितना 100, और 100 का अंडर रूट कितना 10, तो ये बेटा कितना आ जाएगा 10, ठीक है आई बात समझ में, तो ये आपका वेग पता चल गया, चलो बहुत बढ़िया उम्दा, तो ये कैसी गति कर रहा है पथ, पथ आपका कैसा होगा बेटा वृत्तीय गति करेगा, कैसा करेगा, बात समझ में आई क्यों करेगा, k
क्योंकि केवल और केवल ये क्या कर रहा है, यहां पर जो दोनों कंपोनेंट है, ये चुंबकीय क्षेत्र तो बेटा इस डायरेक्शन में है, बाहर की ओर है, किधर है, बाहर की ओर, वाई डायरेक्शन आपको ऊपर है, तो ये कैसा हो गया लंबवत, ये कैसा हो गया लंबवत, ये कैसा हो गया लंबवत। तो बेटा अब ये क्या करेगा, ये सबके जो लंबवत है तो लंबवत वाला क्या कराता है, वृत्तीय गति कराता है, खत्म बात, ठीक है। अच्छा वेग बेटा कितना आ गया, जो वेग है वो कितना आ गया, ध्यान से समझो ना, कहां गया, हटा दूं इसे थोड़ा सा, चलो पथ समझ में आ गया। यहां से ये मान के चले कि ये चुंबकीय क्षेत्र आपकी अंदर की ओर, किधर है, अंदर की ओर, क्योंकि के कैप बता रहा है, तो के कैप हमने मान लिया किधर बेटा, अंदर, ठीक है। अब कोई एक आवेश है क्यू, ये रहा आवेश आपका, ठीक है, क्यू और एम, इसका जो वेग है वो किस डायरेक्शन में है, ये यहां से वी, ये सिक्स है और इधर है बेटा कितना, एट है, ठीक है। तो इनका रिजल्टेंट किधर आएगा, ये वाला आएगा कि नहीं आएगा, और ये कितना हो जाएगा, 10, ठीक है, बात समझ में आई। तो इस वाले देखो, इस वाले प्लेन में ये आपका कौन सा प्लेन हो गया, एक्स वाई प्लेन, जिस पर क्या है आपकी वेलोसिटी है। अब चाहे आप इधर लाइन खींचो, इधर लाइन खींचो, इधर खींचो, कहीं पर भी खींचो, यदि मैं एक ऐसे कर दूं तो ये चुंबकीय क्षेत्र है, तो ये इस प्लेन में आप चाहे जो भी लाइन खींचोगे, इस वाले से कैसा कोण बनाएगी, 90 डिग्री का, कैसा कोण बनाएगी बेटा, 90 डिग्री का, तो कैसी गति कराएगा वो, वृत्तीय गति। तो यहां से जो भी आपके वेलोसिटी आएगी, वी वेलोसिटी का अंडर मॉड कितना आ जाएगा, हमें तो मॉड से मतलब है ना, मॉड बेटा कितना आएगा, अंडर रूट ऑफ 6 का स्क्वायर प्लस का 8 का स्क्वायर, तो मॉड ऑफ बी बराबर कितना आ जाएगा, 10 मीटर पर सेकेंड। तो ये कैसी गति करेगा बेटा, इसका जो पथ होगा, पथ यानी कि रास्ता जो होगा वो बेटा कैसा होगा, वृत्तीय होगा, कैसा होगा, वृत्तीय होगा। चलो अब क्या कह रहा है बेटा, त्रिज्या, तो त्रिज्या बराबर कितना हो जाएगा, एम बी अपान क्यू बी, एम तो एम दिया हुआ है, वी कितना है, 10, तो 10m डिवाइडेड बाई Q और B कितना है बेटा, 20, तो कितना हो जाएगा, M अपॉन 2Q, क्लियर, ये रेडियस आ गया, कोई नहीं। अब क्या है, ये हो गया, ये हो गया आवर्तकाल, आवर्तकाल बेटा क्या है, T बराबर कितना होता है, 2 पाई M डिवाइडेड बाई क्यू बी, तो कितना हो जाएगा, पाई M अपॉन और 10Q, भाई B की वैल्यू 20 है, काट दिया 2 से 10 बार, क्लियर। अब क्या बताना बेटा, पिच बताना है, क्या बताना है, पिच बताना है, पिच बराबर क्या होता है, पैरेलल वेलोसिटी, चुंबकीय क्षेत्र के पैरेलल समांतर, तो यहां पर कुछ समांतर तो है ही नहीं, क्योंकि देखो जो पिच आती है वो सिर्फ किसके लिए आती है, हेलिकल के लिए, किसके लिए आती है, हेलिकल के लिए, यहां पर ये गति ही क्या कर रहा है, वृत्तीय गति कर रहा है, तो इस वजह से यहां पर कोई पिच नहीं होगी। तो पिच की बात करें तो नो पिच, नो पिच, रीजन क्या है, बिकॉज नो हेलिकल पार्ट, हेलिकल पार्ट, छापो, देखो अब अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है कि हमें कण का वह न्यूनतम वेग बताना है, कण का क्या बताना है, वह न्यूनतम वेग कि जिससे यह कण इतनी वेलोसिटी जी जाए कि वो यहां से चुंबकीय क्षेत्र, ये क्रॉस का मतलब क्या है, ये इधर और ये इधर, इसका मतलब क्या है, यहां पर बेटा क्या है, चुंबकीय क्षेत्र है, कैसा है, चुंबकीय क्षेत्र है, वो किधर है, अंदर की ओर है, किधर बेटा, अंदर की ओर क्या है, चुंबकीय क्षेत्र है, क्लियर। ये चुंबकीय क्षेत्र, ये यहां से लेके यहां तक चुंबकीय क्षेत्र है, पूरा पूरे डी में चुंबकीय क्षेत्र आपका क्या है, ठीक है, इतने रीजन में, मतलब इतनी जगह पर आपका चुंबकीय क्षेत्र है। अब इसने कहा है कि एक कण है आपका जिसका द्रव्यमान कितना है m और उस पर आवेश कितना है q, यह b वेग से शुरू करता है, तो कितना मिनिमम से मिनिमम b होना चाहिए कि वो जो कण है वो यहां तक आके पहुंच जाए, x बराबर v तक पहुंच जाए, कम से कम, वही कह रहा है कि वह न्यूनतम वेग ज्ञात कीजिए जब कण
एक्स ग्रेटर देन वी, मतलब यहां तक पहुंच जाए, यदि बराबर तक भी पहुंच गए तो वो फिर पहुंच जाएगा, ठीक है। तो यहां से एक चीज बताइए, देखिए पिछले लेक्चर पे यदि आप देखेंगे तो मैंने क्या बताया था कि ये कब बराबर होगा, यानी कि यदि यह दूरी, यदि आपने क्वेश्चन किया होगा तो वहां से आपको पता चल जाएगा कि यदि यह वाली दूरी आपकी त्रिज्या के बराबर हो जाए, किसके बराबर हो जाए बेटा, त्रिज्या के बराबर, तो वो यहां पर पहुंच जाएगा, क्लियरली है। तो देखो यहां से सॉल्यूशन देख लो, बहुत ही आसान है और ये क्वेश्चन जो है आपके जेई मेंस में आया हुआ है, ये तीन बार आ चुका है, 2013 में भी आया है, 2004 में आया है और ये आया है 2017 में, ठीक है। चार बार यही क्वेश्चन आया है, सेम क्वेश्चन, और बहुत ही आसान था। क्या था कि यहां पर आपको पता है कि ये वाला क्या करना था, मैंने क्वेश्चन पहले करवा चुका हूं, तो Q बराबर, यहां पर आपको त्रिज्या बराबर, R बराबर क्या दिखाना था, डी के दिखाना था, R बराबर क्या दिखाना था, डी, R कितना होता है यानी कि त्रिज्या बेटा कितनी होती है, एम बी अपॉन क्यू बी, और ये बराबर कितना था, d, तो d ये दूरी है ये कितनी है बेटा, b माइनस ए, b माइनस ए है, b माइनस ए यही है। तो यहां से बेग की वैल्यू बेटा कितनी चली जाएगी, बेग बराबर कितना हो जाएगा, क्यू वी, वी माइनस का a डिवाइडेड बाई m, दैट्स द राइट आंसर, ठीक है, ये आपका उत्तर था, ठीक है। तो यदि जो है यह इसके बराबर हो जाएगा, ये भी यदि वेग जो है इसके बराबर हो जाएगा तो यह कहां पर पहुंच जाएगा, यह बेटा यहां पर पहुंच जाएगा, ठीक है। यदि जो है आपका वेग क्या हो जाए, v नॉट का वेग अधिक हो जाए, किससे, मैं इसको v नॉट किए दे रहा हूं, ठीक है ना, ध्यान समझना, यह v नॉट है, ठीक है। तो यदि यहां पर आपका क्या हो जाए, तीन केस बनते हैं, क्या केस बनते हैं कि पहला केस तो यही है कि यदि v बराबर v नॉट हो जाए तो ये क्या हो जाएगा, ये कहां तक पहुंचेगा, ये सिर्फ बाउंड्री कंडीशन तक पहुंच जाएगा, कहां तक, यहां तक, कहां तक पहुंच जाएगा, x बराबर b तक, तो कहां पर पहुंच जाएगा, x बराबर b पर पहुंच जाएगा, कहां पहुंच जाएगा बेटा, पहुंच जाएगा, ठीक है। दूसरा केस क्या बनता है, यदि जो आपका v है, जो v है आपका किससे बड़ा हो जाए, v नॉट से बड़ा हो जाए, किससे बड़ा हो जाए बेटा, v जो है v नॉट से बड़ा हो जाए, तो यहां से ध्यान से देखोगे तो ये v जब इससे बड़ा हो जाएगा तो ये वाला क्या हो जाएगा, इससे बाहर निकल आएगा, इससे बाहर निकल आएगा, x बराबर v से बाहर निकल जाएगा, बाहर निकल जाएगा, क्लियर। अगला क्या हो जाएगा, तीसरा है बेटा कि यदि जो है आपका v छोटा हो जाए, किससे, v नॉट से, यानी कि ये बड़ा हो जाए, ये क्या हो जाए, कम हो जाए, तो यानी कि ये वाली बेग क्या हो गई, कम, किससे, इससे कम हो गई, तो ये क्या हो जाएगा, जिस रास्ते से आया हो उस, मतलब यहां से आने के बाद क्या हो जाएगा, इस पर रिटर्न हो जाएगा, क्या हो जाएगा, रिटर्न हो जाएगा, रिटर्न का मतलब क्या समझ रहे हो, रिटर्न का मतलब बैक हो जाएगा, ठीक है ना, रिटर्न हो जाएगा, वापस हो जाएगा, जो भी लिखना हो छाप लो। तो चलिए बच्चों, अब जो है हम लोग अगला कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं, हेडिंग डालिएगा लॉरेंज फोर्स। हिंदी में लॉरेंज बल, देखो इसका मैंने थोड़ा सा आपको बता चुका हूं, यदि आपने ध्यान दिया हो तो वहां पर मैंने कुछ चीजें निगलेक्ट की थी इसके पहले लेक्चर पर, जब मैंने चुंबकीय क्षेत्र बताया था, चुंबकीय क्षेत्र पर जब कोई आवेश गति करता है तो उस पर लगने वाले बल को ही मैंने क्या कहा था कि वो क्या होता है, आपका लॉरेंज बल होता है। वो सही डिफिनीशन है, लेकिन कब सही है, जब आपका चुंबकीय उसके वैद्युत क्षेत्र के कारण, किसके कारण बेटा, वैद्युत क्षेत्र के कारण वहां पर वो क्या हो जाए, जीरो हो जाए, वैद्युत क्षेत्र के कारण, वैद्युत क्षेत्र वहां पर कितना हो जाए बेटा, जीरो हो जाए।
चलिए तो अब देखो लॉरेंज बल किसे कहते हैं, ध्यान से समझना। लॉरेंज बल वह बल है कि जब कोई चार्ज आपका वी गति से क्या कर रहा है, गति कर रहा है, जब कोई आपका आवेश है वी गति से गति करे और वह दोनों किसकी प्रेजेंस में, मतलब उस जगह पर गति करे जहां पर चुंबकीय क्षेत्र और वैद्युत क्षेत्र दोनों उपस्थित हों, तो उस चार्ज पर लगने वाला बल कुल बल क्या हो जाएगा, लॉरेंज बल कहलाएगा। क्या कहलाएगा, लॉरेंज बल। तो लिखिएगा, यदि कोई आवेश q v वेग से दोनों v वेग से वैद्युत क्षेत्र तथा चुंबकीय क्षेत्र, वैद्युत क्षेत्र तथा चुंबकीय क्षेत्र, वैद्युत क्षेत्र तथा चुंबकीय क्षेत्र दोनों की उपस्थिति में, दोनों की उपस्थिति में गति करे तो इस पर दोनों क्षेत्रों के कारण बल लगता है, दोनों क्षेत्रों के कारण बेटा क्या लगता है, बल लगता है। और यही जो बल है, मतलब कौन सा लगेगा आपके कारण, एफ नेट मतलब कि परिणामी बल, किसके कारण, एफ ई, ई का मतलब वैद्युत क्षेत्र इलेक्ट्रिक फील्ड, प्लस एफ एम मैग्नेटिक फोर्स, मैग्नेटिक फील्ड के कारण, यही क्या कहलाता है आपका लॉरेंज बल। अब इसे लॉरेंज बल क्यों कहते हैं, इसका भी एक रीजन है, क्या है कि एक लॉरेंज नाम के बाबा थे, बाबा मतलब साइंटिस्ट, तो सबसे पहले उन्होंने ही इस फोर्स को ज्ञात किया था, तो इस वजह से उनके सम्मान में क्या कर दिया गया, इसका नाम क्या रख दिया गया, लॉरेंज फोर्स। क्लियर, और बाकी कोई रॉकेट साइंस नहीं है कि इसी को क्यों कहते हैं। क्लियर हो गया। इसने क्या कहा है कि यदि आपका जो आवेश है वह ऐसी जगह पर है जहां पर चुंबकीय क्षेत्र भी है और वैद्युत क्षेत्र भी है, और वहां पर वह गति कर रहा है, तो उस आवेश पर दोनों के कारण बल लगेगा, दोनों के कारण क्या होगा, बल लगेगा, और वही बल क्या कहलाता है, वही परिणामी बल, चुंबकीय बल तथा वैद्युत क्षेत्र के कारण बल, जो बल होता है वही क्या कहलाता है, लॉरेंज फोर्स कहलाता है, इट इज द लॉरेंज फोर्स। यही क्या है, लॉरेंज फोर्स। क्लियर, क्यों लॉरेंज फोर्स कहा गया बेटा, क्योंकि इसकी खोज किसने की थी बेटा, सबसे पहले किसने पता लगाया था, लॉरेंज ने, इस वजह से इसका नाम क्या कर दिया गया, लॉरेंज फोर्स कर दिया गया। चलो बहुत बढ़िया बात, अब थोड़ा सा बात समझो, याद करो इलेक्ट्रोस्टैटिक चैप्टर, वहां पर मैंने बताया हुआ है कि यदि आपकी इस डायरेक्शन में क्या है बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड है, क्या है, इस डायरेक्शन में आपका इलेक्ट्रिक फील्ड है, और इस इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर कोई चार्ज क्यू रख दूं बेटा, क्या रख दूं मैं, कोई चार्ज क्यू रख दूं, तो इस चार्ज पर बेटा आपका कौन सा बल कार्य करता है, कौन सा बल कार्य करता है, वैद्युत बल कार्य करता है बेटा, कौन सा बल कार्य करता है, वैद्युत बल, इलेक्ट्रिक फोर्स काम करता है, और उसकी दिशा बेटा क्या होती है, उसकी दिशा तो पहले इस बात पर निर्भर करती है कि यह धनात्मक आवेश है कि ऋणात्मक आवेश है, यदि धनात्मक आवेश हुआ तो बेटा उस बल की दिशा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा के ही अनुदेश होगी, मतलब चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में ही होगी, तो एफ बराबर कितना हो जाता है बेटा, क्यू इंटू ई, ये आपको पता है, और यदि बेटा आवेश कैसा है, ऋणात्मक है, तो इसकी दिशा, बल की दिशा बेटा क्या हो जाती है, चुंबक वैद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में उसकी बल की दिशा हो जाती है। चलो ये तो पता है, यानी कि F इलेक्ट्रिक फोर्स बेटा कितना हो जाता है, Q इंटू E, इसकी दिशा वही जो
ई की दिशा किस बात के लिए है ये बेटा, पॉजिटिव चार्ज के लिए। निगेटिव चार्ज के लिए क्या हो जाएगी, विपरीत दिशा हो जाएगी। यदि निगेटिव चार्ज के लिए यदि प्लस का एक्स डायरेक्शन में वैद्युत क्षेत्र है तो निगेटिव चार्ज के लिए जो बल की दिशा किधर लगेगी बेटा, माइनस का एक्स डायरेक्शन में लगेगा। चलो बहुत बढ़िया, अब आते हैं किसके लिए, मैग्नेटिक फोर्स। मैग्नेटिक फोर्स हमने क्या निकाला था बेटा, मैग्नेटिक फोर्स आपका क्या आया था, एफ एम बराबर क्यू वी वी साइन थीटा, जहां पर थीटा क्या है, थीटा बेटा आपको पता है थीटा इज द एंगल बिटवीन किनके मध्य कोण है बेटा, एंगल बिटवीन वी वेक्टर एंड वी वेक्टर, मतलब वेग तथा चुंबकीय क्षेत्र, वेग तथा चुंबकीय क्षेत्र के बीच का बेटा क्या है, ये एंगल है। चलो बहुत बढ़िया, अब यहां से ये तो आपका क्या हो गया, स्केलर फॉर्म है, कैसा है स्केलर फॉर्म है, मतलब कि इसकी कुछ वैल्यू आएगी, एक आया, दो आया, चार आया, दस आया, पंद्रह आया, यहां से कुछ ना कुछ इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू आएगी। और एक फार्मूला ये भी होता है मैग्नेटिक फील्ड का, एफ एम बराबर क्या होता है, क्यू वी क्रॉस वी, ये कैसा है बेटा, ये वेक्टर है, ये दिशा देता है, ये क्या दे देता है, इससे हमें दिशा भी मिल जाती है, इस फार्मूले से हमें क्या मिल जाती है, बल की दिशा भी मिल जाती है, जबकि इस फार्मूले से हमें सिर्फ और सिर्फ क्या मिलता है, वैल्यू मिलती है, एक न्यूटन, दो न्यूटन, पांच न्यूटन, दस न्यूटन, सौ न्यूटन, जो भी है, ये वेक्टर फॉर्म है। क्लियर, तो छाप लो इसे फिर आगे बढ़। तो चलिए बेटा, अब जो है हम इसी लॉरेंज बल में कोशिश करते हैं, पढ़ते हैं कुछ केस बना के। तो केस नंबर एक लिखिएगा, केस नंबर फर्स्ट कि क्या हो जाए, जब आपका चुंबकीय क्षेत्र और वैद्युत क्षेत्र क्या हो, एक दूसरे के समांतर हो, क्या हो, वैद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र बेटा क्या हो, एक दूसरे के समांतर हो। लिखिएगा, जब इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब चुंबकीय क्षेत्र तथा वैद्युत क्षेत्र वी एक दूसरे के समांतर, ठीक है। तो अब इसमें भी बेटा कई केस बनते हैं, तो सबसे पहले लिखिएगा, पहला ए नंबर, जब आवेश स्थिर हो, स्थिर हो मतलब आवेश अब आपका यहां पर बेटा गति नहीं कर रहा है, कैसा आवेश है, रुका हुआ है, कैसा है बेटा आवेश, जो है क्यू जो है रेस्ट पे है, रुका हुआ है, ठीक है ना बेटा। तो हम मान लेते हैं कि आपका जो किसकी दिशा है, इलेक्ट्रिक फील्ड की दिशा ई, ये भी इसी डायरेक्शन में है, और ये चुंबकीय क्षेत्र वी, ये भी आपका दोनों की दिशा क्या है, एक दूसरे के समांतर है, तो बना दिया, क्लियर हो गया यहां से। अब कह रहा है कि कोई एक आवेश है क्यू, ये ठीक है, ये इधर भी है, लाइनें हैं, चुंबकीय क्षेत्र वैद्युत क्षेत्र है, क्लियर है। चलो बहुत बढ़िया, यहां पर एक आवेश है क्यू जिसका द्रव्यमान है बेटा एम है, ठीक है। ये कह रहा है बेटा किस पर है, रेस्ट पर है, रेस्ट पर का मतलब आवेश यहां से गति नहीं कर रहा है, रुका हुआ है, क्या है, रुका हुआ है, थोड़ा ध्यान से समझना। यदि बेटा आवेश आपका कैसा रहे बेटा, रुका हुआ रहे, कैसा रहे, रुका हुआ रहे, तो आवेश पर चुंबकीय बल कार्य नहीं करता है, चुंबकीय क्षेत्र चुंबकीय बल कार्य नहीं करता है, ध्यान देना। क्या है, चुंबकीय बल कहां पर लगता है, जब आवेश आपका क्या हो जाता है बेटा, गतिमान हो जाता है। मैंने पहले ही लेक्चर पे इसके, जब ये चैप्टर शुरू कर रहा था, तो इसके पहले लेक्चर पे मैंने बताया था कि वैद्युत चुंबकीय बल बेटा कहां पर लगता है, जब आवेश आपका क्या हो जाए, गति करना शुरू कर दे, तभी लगता है, अदरवाइज नहीं लगता है। रुके हुए चार्ज पर सिर्फ और सिर्फ एक बल आता है, वो कौन सा बल आता है, वैद्युत बल आता है, कौन सा बल आता है बेटा, वैद्युत बल, बता चुका हूं। अब क्योंकि वैद्युत बल, वैद्युत क्षेत्र की दिशा बेटा किधर है, इसी डायरेक्शन में है, तो इस आवेश पर बेटा एक बल कार्य करेगा, क्या कार्य करेगा, एक बल कार्य करेगा एफ, और वो बेटा कितना होगा, क्यू इंटू ई, और यह बल कौन सा होगा इस आवेश पर, इस आवेश पर यह होगा इलेक्ट्रिक फोर्स, कौन सा होगा,
इलेक्ट्रिक फोर्स। ध्यान दिया, क्योंकि यह आवेश कैसा है बेटा, रेस्ट पर है, इस वजह से सिर्फ और सिर्फ इस पर अभी क्या लगा है, अभी के लिए तत्काल के लिए इलेक्ट्रिक फोर्स लगा हुआ है। क्या लगा हुआ बेटा, इलेक्ट्रिक फोर्स लगा हुआ है, मैग्नेटिक फोर्स नहीं लगा। क्यों नहीं लगा, क्योंकि मैग्नेटिक फोर्स बेटा कहां पर लगता है, आपका गतिमान आवेश पर लगता है। कहां पर लगता है बेटा, गतिमान आवेश पर लगता है। चलो बहुत बढ़िया हो गया, उम्दा प्रदर्शन। तो अब यहां से देखोगे तो ये जो हमने मान लिया कि ये आपकी कैसा है बेटा, ये एक्स एक्सिस है और ये कैसी है, वाई एक्सिस है। क्लियर, यहां से देखोगे तो ये चुंबकीय बल आपका किस दिशा में है, इसी दिशा में। किस दिशा में बेटा, एक्स दिशा में। तो हमने मान लिया कि ये जो मैग्नेटिक फील्ड है ये किस डायरेक्शन में है, एक्स दिशा में है। और कितना है बेटा, क्यू इंटू ई के बराबर होता है। क्लियर, अब आपका फोर्स बराबर क्या होता है, फोर्स बराबर ये भी तो होता है एफ बराबर एम इंटू ए होता है। ए क्या है यहां पर बेटा, त्वरण है। एम क्या है, द्रव्यमान है। क्या है, एम क्या है बेटा, द्रव्यमान है। ए क्या है बेटा, त्वरण है। तो यहां से एक्स डायरेक्शन में ही बल लग रहा है, फोर्स किस डायरेक्शन में लग रहा है, बल किस डायरेक्शन में लग रहा है, एक्स डायरेक्शन में। तो त्वरण भी आपका बेटा किस डायरेक्शन में आएगा, एक्स डायरेक्शन में। मतलब कि ए एक्स बराबर कितना हो जाएगा, ए एक्स बराबर हो जाएगा एफ अपान एम, एफ अपान एम। और एफ बेटा कितना है, क्यू ई बाई एम। चलो बहुत बढ़िया, ये जब अब इस पर त्वरण आ गया बेटा, क्या आ गया, त्वरण आ गया। तो इसका वेग कुछ, वेग भी तो होगा अंतिम वेग, बी बराबर क्या होता है, यू प्लस का ए टी। यानी वी एक्स दिखाए कि एक्स डायरेक्शन में अंतिम वेग क्या होगा, एक्स बराबर कितना होता है, यू बी एक्स बराबर यू यू एक्स प्लस का ए टी, ए एक्स इंटू टी। ये एक्स एक्स क्या दिखा रहा है बेटा, दिशा को बता रहा है, किसकी बता रहा है, कि ये एक्स दिशा की बात हो रही है। तो यहां से बेटा वी एक्स हमें नहीं पता, तो वही तो निकालना है, तो ये बी एक्स हो गया। यू एक्स मतलब प्रारंभिक वेग बेटा कितना, प्रारंभिक में तो ये किस पर है बेटा, रेस्ट पर है, यानी कि इसका वेग कितना है बेटा, शून्य है। तो आपने इसकी जगह पर शून्य रख दिया, और ए एक्स बेटा कितना है, क्यू ई बाई एम। तो ये रहा क्यू ई बाई एम इंटू टी, यानी कि बेटा जो वेग आया है, ध्यान से देखोगे, ठीक है चलो, यानी कि वी एक्स बेटा कितना आया है, वी एक्स बराबर आया है क्यू ई वाई एम इंटू टी। यानी यदि आप ध्यान से देखो तो वी एक्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या है बेटा, टी है। यानी कि यदि समय बढ़ेगा तो वेलोसिटी क्या होगी बेटा, बढ़ेगी, ठीक है। और ये कैसा होगा, वी एक्स का ग्राफ कैसा होगा, टी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, मतलब कैसा होगा, स्ट्रेट लाइन। B वर्सेस T का ग्राफ देखो क्या होता है, स्ट्रेट लाइन होता है। कैसा होता है, सरल रेखा होता है। क्लियर है, चलो बहुत बढ़िया, उम्दा, ठीक है, नहीं बताइए, क्लियर हो गया ना। यानी कि यहां पर ये यदि चलेगा तो ये कैसा चलेगा, सीधी रेखा में चलेगा। किधर चलेगा, सीधी रेखा में चलेगा। चुंबकीय इस किसके कारण, वैद्युत क्षेत्र के कारण। क्या लिखोगे, वैद्युत क्षेत्र के कारण सीधी रेखा में चलेगा, ठीक है, वैद्युत क्षेत्र के कारण सीधी रेखा में चलेगा। अब आते हैं किस पर, लॉरेंज फोर्स बेटा क्या होता है, एफ नेट बेटा क्या होता है, एफ नेट बराबर होता है एफ ई चुंबकीय क्षेत्र प्लस का एफ एम मैग्नेटिक फोर्स, यही तो होता है ना बेटा। तो आपने इसको निकाल लिया, क्या आप जरूरत है मैग्नेटिक फोर्स की। तो एफ एम बराबर बेटा मैंने क्या बताया था, क्यू वी वी साइन थीटा, जहां पर थीटा क्या होता था बेटा, थीटा क्या होता था, थीटा वेग और चुंबकीय क्षेत्र के बीच का क्या होता है बेटा, कोण होता है। थीटा जो है वेग और चुंबकीय क्षेत्र के बीच का कोण होता है। चलो यहां से देखो, तो अब तो ये बेटा एक्स डायरेक्शन में ही आगे बढ़ने लगा ना। देखो अभी तक आपने कहा कि ये आवेश कैसा है बेटा, रुका हुआ है, तो उस पर चुंबकीय क्षेत्र नहीं लग रहा, ध्यान देना। जब ये आवेश रुका हुआ है तो इस पर चुंबकीय क्षेत्र यानी कि चुंबकीय बल इस पर कार्य नहीं कर रहा है। क्यों, क्योंकि आपको पता हुआ है कि रुके हुए चार्ज पर चुंबकीय बल कार्य नहीं करता, केवल कौन काम करता है,
वैद्युत क्षेत्र काम करता है। क्लियर हुआ? अब इस पर हमने देखा तो अब इस पर वेग आ गया भाई, कुछ समय बाद जब इस पर त्वरण बल लगाएंगे किसी वस्तु पर तो क्या होगी, धीरे धीरे वेग आ जाएगा ना उस पर, तो कितना वेग आ गया, इतना। अब यह चाल, ये क्या हो गया है, यह जो आवेश बेटा आपका गतिमान हो गया है, क्या हो गया है, गतिमान हो गया है, तो चुंबकीय क्षेत्र की आंखें चमक जाएंगी, अरे वाह ये तो चल रहा है, ये कहेगा कि अब मैं भी लगूंगा। ठीक है, तो ये जैसे ही देखा कि ये चल रहा है तो इसने कहा भाई मुझे भी लगना है, तो कहे ठीक है भाई लग जाओ, कितना लगेगा, क्यू वी वी साइन थीटा, जहां पे वी क्या है वेलोसिटी है और वी क्या है ये आपका वेग, ये चुंबकीय क्षेत्र है। अब ये थीटा जो है इन्हीं दोनों के बीच का क्या है, कोण है, तो देखो एक्स डायरेक्शन में ही क्या है चुंबकीय क्षेत्र है और एक्स डायरेक्शन में ही क्या है वेग है, तो जब दोनों के एक ही डायरेक्शन में तो एंगल कितना हुआ जीरो, एंगल कितना हुआ जीरो, तो यहां पर लिख दो वेक्टर वी तथा वी एक ही दिशा में है, एक ही दिशा में है, अतः थीटा बराबर जीरो, तो एफ एम बेटा कितना हो जाएगा, मैग्नेटिक फोर्स कितना हो जाएगा, क्यू वी वी साइन जीरो, और साइन जीरो का मान जीरो होता है, इस वजह से ये कितना हो गया जीरो। ठीक है, तो वैद्युत क्षेत्र के कारण तो ये सीधी रेखा में चल रहा था, और ये वाला क्या हो गया बेटा, ये तो शून्य हो गया, ये क्या हो गया शून्य, तो अभी भी किस पर चलेगा भाई, इसके कारण ये इस पर कोई बल ही नहीं लग रहा, मैग्नेटिक फील्ड कोई बल नहीं लगा रही है, केवल कौन सा बल लग रहा है ये वाला, तो इसके कारण क्या चल रहा है सीधी रेखा में, तो अभी भी क्या चलेगा केवल सीधी रेखा में ही चलेगा, अतः इस केस में आवेश सीधी रेखा में गति करेगा, सीधी रेखा में गति करेगा। छापो, अगला देखो बेटा, बी भाग, जब आवेश V नॉट के प्रारंभिक वेग से चले, प्रारंभिक वेग से गतिमान हो, ठीक है, अब देखो कह तो वही रहा है, तो चुंबकीय क्षेत्र ये वैद्युत क्षेत्र E हो गया और ये रहा आपका चुंबकीय क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र B। अब ये कह रहा है कि यहां पर एक आवेश है जिसका द्रव्यमान m तथा आवेश q है, ये v नॉट वेग से बेटा क्या है चल रहा है, किस किस वेग से, v नॉट, अब इसका यह क्या है प्रारंभिक वेग है बेटा, ठीक है। तो आपको पता है कि यदि चुंबकीय क्षेत्र पे सॉरी वैद्युत क्षेत्र पे यदि हम कोई आवेश रख देते हैं तो उस पर क्या लगता है, ये भी लगता है, ठीक है, चुंबकीय क्षेत्र, ये वैद्युत क्षेत्र आपका कब कब लगता है ध्यान से समझो, वैद्युत क्षेत्र जो है चाहे यदि आपने वैद्युत क्षेत्र में यदि आपने आवेश रख दिया है, वो चाहे गतिमान आवेश हो चाहे रुका हुआ हो चाहे एक्सीलरेटेड आवेश हो, दोनों पर आवेश क्या, उस पर बल लगेगा, ठीक है, वैद्युत क्षेत्र का बल लगेगा। तो बेटा कितना बल लगेगा, इस पर एक बल लगेगा किस डायरेक्शन में, हमने मान लिया कि ये बेटा कैसी है, ये आपकी एक्स डायरेक्शन है और ये कैसी है वाई डायरेक्शन, तो चुंबकीय क्षेत्र के कारण यहां पर कितना बल लगेगा, एफ ई एक्स, मतलब कि एक्स डायरेक्शन बल लगेगा क्यू इंटू ई, क्लियर। तो यहां से आपका एफ बराबर एफ ई एक्स, मतलब एक्स डायरेक्शन में कितना बल लग रहा है क्यू इंटू ई बल लग रहा है, तो इसी वजह से एक्स डायरेक्शन में ही त्वरण आएगा, क्योंकि जिस डायरेक्शन में बल लगता है उसी डायरेक्शन में क्या आता है बेटा त्वरण आता है, तो कितना हो जाएगा क्यू ई बाई एम, क्योंकि फोर्स बराबर क्या होता है बल बराबर क्या होता है द्रव्यमान गुणे त्वरण, वहां से आया। चलो अब हम वी एक्स निकाल लेते हैं कि अंतिम वेग कितना हो जाएगा, तो यू एक्स प्लस का ए एक्स इंटू टी, यही होगा, यहां से एक्स डायरेक्शन में बेटा वेग, अंतिम वेग तो हमें नहीं पता, तो वही तो निकालना है, वी एक्स बराबर यू एक्स, मतलब प्रारंभिक वेग बेटा कितना है वी नॉट प्लस का ए एक्स कितना है क्यू वी वाई एम इंटू टी, यानी कि ये वी एक्स, तो ये भी अभी भी क्या है, यह स्ट्रेट लाइन में ही गति करेगा, ये कैसा है सरल रेखा का समीकरण है,
कैसा है, सरल रेखा का समीकरण है, तो यानी कि अभी भी किस पर गति करेगा, सरल रेखा में। ये हो गया। अब बेटा इस पर कौन सा बल लगेगा मेरे को बता दो। अब यहां पर क्योंकि यह गतिमान, यह आवेश कैसा है बेटा, गतिमान है, V नॉट से क्या है, गतिमान है, तो वहां पर क्या लगेगा, चुंबकीय बल भी लगेगा। और बल बर चुंबकीय बल एफ एम कितना होता है, क्यू बी वी साइन थीटा। यहां पर बेटा देखो तो वेग की दिशा, वेग की दिशा और चुंबकीय क्षेत्र की दिशा दोनों समान है, यानी कि थीटा कितना हो गया, जीरो। भाई जब दिशा समान हो गई तो थीटा कितना हो गया, जीरो डिग्री। तो साइन जीरो जीरो, मतलब मैंने यहां से लिख दिया ये कितना हो गया, जीरो। यानी अब मैं यहां से एफ नेट निकालूंगा बेटा, तो कितना आता है, एफ ई प्लस का एफ एम, ठीक है, एम बराबर तो क्या है बेटा, जीरो है। तो यहां पर एफ नेट किसके बराबर आ जाएगा, क्यूई के। और क्यूई के कारण वो बेटा कितना चल रहा था, स्ट्रेट लाइन में, सीधी रेखा में। देखो ना वेग कैसा आया है, सरल रेखा के समीकरण आया, तो बेटा कैसा चलेगा, सरल रेखा में चलेगा। अतः आवेश सीधी रेखा में गति करेगा। छापो। देखो बेटा अगला केस क्या है, ये सी नंबर है ना बेटा, चलो सी नंबर है। तो क्या दिया हुआ बेटा, कि कह रहा है कि यदि आपका आवेश Q वैद्युत क्षेत्र तथा चुंबकीय क्षेत्र के बेटा लंबवत गति करे। कैसे गति करे, लंबवत। अब किस वेग से गति करे, V नॉट के वेग से, वेग से गति करे। चलो ठीक है, तो हमने बना लिया कि ये क्या है बेटा, आपका इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड की दिशा इस दिशा में है, और चुंबकीय क्षेत्र भी किसा है, इसी दिशा में। क्यों, क्योंकि ऊपर दिया हुआ कि दोनों क्या है, जब समांतर है। अब कह रहा है कि आवेश Q है जो इन दोनों के लंबवत गति कर रहा है। तो हमने मान लिया कि ये रहा आवेश आपका Q, जिसका द्रव्यमान है m, और किसपे, v नॉट वेग से गति कर रहा है, लेकिन कैसे कर रहा है, इन दोनों के लंबवत, यानी कि इधर से ये ऊपर की ओर गति करेगा v नॉट। क्लियर हुआ, v नॉट वेग से ये क्या है, ऊपर की ओर गति कर रहा है, ठीक है। v नॉट वेग से क्या कर रहा है बेटा, ये ऊपर की ओर गति कर रहा है, बहुत बढ़िया। अब क्या होगा कि इस पर तो एक बल लगता है, हमने मान लिया कि ये बेटा क्या है, x डायरेक्शन है और ये y डायरेक्शन है, क्लियर है। तो क्योंकि आवेश कैसा है बेटा, गतिमान है, आवेश क्या है, गतिमान है ना, तो उस पर वैद्युत क्षेत्र भी लगेगा और चुंबकीय क्षेत्र के कारण बल भी लगेगा, यानी वैद्युत बल भी लगेगा और चुंबकीय बल भी लगेगा, दोनों बल लगेंगे। अच्छा, तो चुंबकीय, ये जो वैद्युत क्षेत्र वाला बल है वो तो बेटा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में ही लगता है, तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा बेटा कौन सी है, ये एक्स वाली। तो इस पर कितना बल लगेगा, इधर की ओर कितना लगेगा, ई एक्स, और कितना लगेगा, क्यू इंटू ई, यही होता है। तो यहां से लिखिएगा एफ ई एक्स, मतलब कि चुंबकीय बल की, ये वैद्युत बल किस दिशा में लग रहा है बेटा, एक्स की दिशा में, और क्यू इंटू ई, तो जिस दिशा में बेटा बल लगता है उसी दिशा में क्या आता है, त्वरण आता है। तो एक्स बराबर कितना हो जाएगा, क्यू ई बाई एम, यही होता है। और यहां से वी एक्स बराबर कितना हो जाएगा, यू एक्स प्लस का ए एक्स इंटू टी। तो वी एक्स तो हमें तो पता ही करना है, यू एक्स बेटा वी नॉट दिया हुआ है, और क्या दिया हुआ बेटा, ए एक्स, ए एक्स आपको दिया हुआ है क्यू ई वाई एम इंटू टी, बहुत बढ़िया। ये इसका रहा अंतिम वेग, क्लियर। अब इसके कारण देखो तो ये कैसे गति करेगा, सीधी रेखा में गति करेगा। कैसे करेगा बेटा, सीधी रेखा में गति करेगा। चलो बहुत बढ़िया। अब आप किसकी बात आती है, एफ मैग्नेटिक की, यही बात आती है ना, तो कितना होता है, क्यू बी बी साइन थीटा, यही होता है। अब देखो बेटा क्या बोला है कि ये गति किधर कर रहा है बेटा, ऊपर की ओर कर रहा है, और चुंबकीय क्षेत्र किधर है, इस दिशा में। तो बल बेटा किधर, ये साइन थीटा के बीच का एंगल कितना हो गया, थीटा कितना हो जाएगा, 90 डिग्री, क्योंकि वेग आपका ऊपर है और ये इधर है, तो ये इधर ऊपर और ये इधर, एंगल कितना, 90 डिग्री। तो ये थीटा बराबर बेटा क्या हो गया, 90 डिग्री। तो साइन 90 कितना होता है बेटा, एक। एफ एम बराबर क्यू बी वी, वाह 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 वाह, आया। चलो
अब ये बेटा कैसा वेग है, ये थीटा बेटा कितना है, 90 डिग्री है ना, मतलब कि ये कैसा है बेटा, लंबवत है। और जब लंबवत वेग से बेटा चुंबकीय क्षेत्र के अंदर गति करता है तो बेटा वो कैसी गति कराता है, वृत्तीय गति कराता है। कैसी कराता है, वृत्तीय गति कराता है। तो यहां पर लिखिएगा, इसके कारण वृत्तीय गति करेगा, ध्यान से समझ लो अभी, वृत्तीय गति करेगा, बहुत बढ़िया, उम्दा। और इसके कारण, किसके कारण, ये एफ ई एक्स के कारण कैसी गति करेगा, सीधी रेखा में गति करेगा, किधर करेगा, नहीं आया समझ में भाई, ये तो इसी डायरेक्शन में लग रहा है ना, ये तो सीधे लग रहा है, तो इसके कारण ये कैसे चलेगा, ये वेलोसिटी का कंपोनेंट कैसे आया है, vx बराबर v नॉट प्लस का q e y m इनटू t, यानी ये तो सीधी रेखा, सरल रेखा का समीकरण है, तो ये कैसे चलेगा बेटा, सरल रेखा में चलेगा, सीधी रेखा में चलेगा। और ये इधर कैसा है बेटा, ये वृत्तीय गति में चल रहा है, ठीक है। तो यदि कोई आपको कोई भी चीज हो, यदि सीधी रेखा में भी चले, मतलब सीधे भी चले और वृत्तीय गति भी करे, तो कैसा पाथ बनाता है, हेलिकल पाथ, बताया था। तो यहां से बेटा पाथ कैसा हो जाएगा, हेलिकल, कैसा पाथ हो जाएगा, पथ जो है आपका कैसा होगा, कुंडलिनी, कुंडलिनी होगा, पथ कुंडलिनी होगा, मतलब कि इंग्लिश में हेलिकल। चलो अब थोड़ा सा ध्यान समझना, ये सीधी रेखा में चल रहा है, लेकिन यदि समय बढ़ेगा, समय बढ़ेगा, समय क्या होगा, बढ़ेगा, तो वेग भी नहीं बढ़ता जाएगा, वेग बढ़ता जाएगा। अब वेग बढ़ने का मतलब क्या है, उसका त्वरण बढ़ रहा है, तो उसकी जो पिच, अभी तक हम कांस्टेंट लिखते थे v cos थीटा, ठीक है, ये होता था इनटू टाइम पीरियड 2 पाई m डिवाइडेड बाय qv, यही होता था। ये क्या होता था, ये पिच होता था, थोड़ा ध्यान से समझ लो, ठीक है, ये क्या होता था, पिच होता था। अब ये संख्या उस जगह पर क्या थी बेटा, एक समान थी, कैसी थी, मतलब तो वहां पर पिच क्या थी, एक समान थी, लेकिन क्या इस जगह पर पिच समान होगी बेटा, नहीं होगी। क्यों नहीं होगी, क्योंकि जैसे जैसे समय बढ़ेगा, वेग क्या होगा बेटा आपका, बढ़ता जाएगा, यानी बी का मान क्या होता जाएगा बेटा, बढ़ता जाएगा, तो पिच भी क्या होती जाएगी, बढ़ती जाएगी, यानी कि इसका पाथ कुछ ऐसा होगा। बात समझ में आ गई, यानी कि यदि ये क्या है बेटा, इसे मैं पी वन कह दूं, ये P1 P बराबर, ये P1 P2 T पे है, ये पीटा पिच है, ठीक है ना। तो हेलिकल पाथ तो होगा, लेकिन पिच कैसी होगी बेटा, पिच, पिच की बात हो जाए, तो पिच कैसा होगा बेटा, यहां पर परिवर्तित होती रहेगी, कैसी होती रहेगी, वेरिएबल रहेगी, चर रहेगी, पिच जो है वेरिएबल रहेगी, वेरिएबल का मतलब क्या है, कांस्टेंट नहीं रहेगी, वो हर बार क्या होगी, बढ़ती रहेगी, ठीक है, बढ़ेगी, 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 पिच क्या होगी, बढ़ेगी, यानी कि क्या हो जाएगा, इसमें से कौन सा बड़ा है, P3 बड़ा है P2 से, यानी कि P3 greater than P2, ये केस, ठीक है, छापो। अगला देखो बेटा, डी पार्ट है, ठीक है, केस नंबर पहले में डी पार्ट क्या कह रहा है बेटा, कि अब कह रहा है कि यदि आपका जो आवेश q वो e तथा v से बेटा कितने अंश का कोण बना रहा है, थीटा का कोण बना रहा है, और कह रहा है कि किस वेग से चल रहा है, v नॉट वेग से चल रहा है। तो चलिए कोई बात नहीं, आपने ये इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, और ये रहे बेटा आपकी क्या, वैद्युत क्षेत्र। अब ये कह रहा है कि एक आपका आवेश है q जो इससे कितने अंश का कोण बनाता है, थीटा, कितने कोण बनाता है, थीटा का, और ये कितना है, v से चल रहा है, v नॉट वेग से, तो इधर इसके दो कंपोनेंट हो जाएंगे बेटा कि नहीं होंगे, हो जाएंगे, एक ये वाला कितना हो जाएगा, v cos थीटा, एक ये वाला कंपोनेंट आपका कितना हो जाएगा बेटा, v sin थीटा होगा, ये v नॉट है बेटा, क्लियरली, ठीक है, चलो।
और यदि ये मान के चलो कि ये आपका किधर है बेटा, एक्स डायरेक्शन में, ये किधर है, वाई डायरेक्शन में। क्लियर हुआ कि नहीं? चलो तो एक्स डायरेक्शन में बेटा आपका आवेश तो है, ये रहा, ये आवेश है बेटा क्यू और द्रव्यमान है बेटा एम है। क्लियर है? अब इस पर बेटा जो वैद्युत क्षेत्र लगेगा, वैद्युत बल लगेगा, वो किस डायरेक्शन में लगेगा? एक्स डायरेक्शन में। क्यों एक्स डायरेक्शन में लगेगा? क्योंकि वैद्युत क्षेत्र ही किस डायरेक्शन में है? एक्स डायरेक्शन में है। तो एफ ई एक्स वैद्युत क्षेत्र एक्स डायरेक्शन में लग रहा है बेटा, कितना लग रहा है? क्यू इंटू ई। तो इसी वजह से एक्स डायरेक्शन में बेटा क्या आ जाएगा? त्वरण आ जाएगा, कितना हो जाएगा? क्यू ई बाई एम। क्लियर? अब यहां से वी एक्स बराबर कितना हो जाएगा? यू एक्स प्लस का ए एक्स इंटू टी। अब देखो ये तो बेटा इधर थीटा एंगल से जा रहा था, तो एक्स डायरेक्शन में इसका शुरुआत में वेग कितना है? देखो ना, वी नॉट कॉस थीटा, इसका कंपोनेंट ले लिया, तो ये एक्स डायरेक्शन में वेग है ना, एक्स डायरेक्शन में कितना है? वी नॉट कॉस थीटा। तो इसका शुरुआत में प्रारंभिक वेग कितना है? वी नॉट कॉस थीटा। तो वी एक्स हमने मान लिया कि अंतिम वेग है कुछ, ये v नॉट cos थीटा प्लस का ax बेटा कितना है? क्यू ई वाई एम इंटू टी। चलो बहुत बढ़िया, उम्दा। चलो तो ये तो कैसा है? सीधी रेखा में चलेगा भाई, v नॉट cos थीटा, ये तो क्या रहेगा? कांस्टेंट रहेगा ना, इसकी वैल्यू तो हमेशा क्या रहेगी? कांस्टेंट रहेगी। और ये कितना है? क्यू ई एम इंटू टी, यानी कि ये समय बदलता रहेगा। समय क्या होगा? बदलता रहेगा। तो जब समय बदलता रहेगा तो क्या होगा? वेग बढ़ेगा, ठीक है ना। समय वेग कम होगा, समय कम होगा तो वेग क्या होगा? कम होगा। समय ज्यादा होगा तो वेग क्या होगा? बढ़ेगा। चलो यानी कि इसके कारण ये किधर चलेगा? सीधी रेखा में। ये तो क्लियर हुआ, क्योंकि ये सरल रेखा का समीकरण है, क्लास 11th याद करो मैथ में, यानी तो हाई स्कूल में पढ़ा था। एफ एक्स एफ ई के कारण किधर चलेगा बेटा? ये कारण सीधी, अरे यार स्ट्रेट लाइन चलेगा। स्ट्रेट लाइन मोशन करेगा। चलो बहुत बढ़िया, ठीक है। अब आते हैं बेटा किसके लिए? एफ एम के लिए ना। मैग्नेटिक फोर्स के लिए कितना होता है? क्यू वी वी साइन थीटा, यही होता है। यहां पर तो बेटा वेलोसिटी तो अभी भी क्या है बेटा? थीटा ही है, ठीक है। वेग कितना बना रहा है? वी नॉट, ऊपर तरफ कितना है? वी नॉट साइन थीटा। तो वेग की जगह पे ये कितना हो जाएगा? एफ एम क्यू वी इंटू वी नॉट साइन थीटा, यही तो वेग है, खत्म बात। अब इसके कारण ये कैसा है बेटा? परपेंडिकुलर वेलोसिटी के कैसा ये वेग? चुंबकीय क्षेत्र के कैसा है ये वाला वेग कंपोनेंट? उसके परपेंडिकुलर है, लंबवत है, यानी कैसी गति करेगा वो? वृत्तीय गति कराएगा। एफएम के कारण वृत्तीय गति करेगा। नहीं क्लियर हुआ? क्या करेगा बेटा? वृत्तीय गति करेगा। चलो बहुत बढ़िया, उम्दा। चलो सही है। तो अब ये कैसी गति कर रहा है? स्ट्रेट लाइन भी कर रहा है और वृत्तीय भी कर रहा है, यानी कि कैसी गति करेगा? पाथ कैसा हो जाएगा? अब भाई सीधे भी चलना है और कैसे चलना है? सर्कुलर भी चलना है, तो कैसे पाथ हो जाएगा? हेलिकल। पाथ कैसा हो जाएगा? पाथ विल बी हेलिकल, कुंडलिनी गति हो जाएगी। क्लियर कि नहीं? यहां तक बता दो, ठीक है, हो गया। अच्छा अच्छा इसकी डायरेक्शन बता दो मुझे, किस डायरेक्शन में लगेगा एफएम? डायरेक्शन बताओ ना, किस डायरेक्शन में लगेगा? हाँ ये किस डायरेक्शन में लगेगा? नहीं देखो, पहले ध्यान समझो। डायरेक्शन के लिए क्या करते हैं? राइट हैंड पाम रूल बताया था। क्या करते हैं? चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में किसे रखना है? चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में दाहिने हाथ की अंगुलियों को रखना है। तो चुंबकीय क्षेत्र हमारी इस दिशा में, तो अंगुलियां हो गई।
फिर कह रहा है कि बेग की दिशा में, बेग की दिशा में अंगूठा रखना है, क्या रखना है अंगूठा, तो अंगूठा हमने ये बेग की कौन सी वाली दिशा, वी साइन थीटा, ये ऊपर की ओर, तो ये रहा, तो जो हमारी हथेली है किधर है, अंदर की ओर है ना, किधर है अंदर की ओर, तो यदि आपका ये एक्स है ये वाई है तो अंदर की ओर कौन सी एक्सिस होगी, जेड एक्सिस, तो बल किधर लग रहा होगा बेटा, जेड एक्सिस के अबाउट लग रहा होगा। चलो बहुत बढ़िया, तो पाथ बना लिया, अब ये कैसा बनेगा पाथ मुझे ये बता दो बस। देखो ध्यान समझना, आपने यदि पढ़ा होगा, आपने यदि पढ़ा होगा तो आपने देखा होगा कि जैसे जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड से हम दूर जाते जाते हैं, क्या जाते जाते हैं, दूर जाते हैं, जो इलेक्ट्रिक फील्ड का मान क्या होता है बेटा, कम होता जाता है, क्या होता जाता है, कम होता जाता है। तो यहां पर देखोगे तो V नॉट cos थीटा तो बेटा क्या है, कांस्टेंट है, क्या है कांस्टेंट है, V नॉट cos थीटा क्या है भाई, यदि इसकी वैल्यू कह दे कि 5 मीटर है, 5 मीटर पर सेकंड है, और थीटा बेटा कह दे कि 30 डिग्री का कोण बनाता है, तो उसकी जो बी कॉस थीटा आएगा वो तो हमेशा कांस्टेंट आएगा ना, नियत आएगा, उसकी तो एक वैल्यू आएगी, तो ये कितना हो गया, ये क्या हो गया कांस्टेंट, ठीक है। अच्छा इसकी तो मतलब ई का मान क्या होगा, ई का मान जैसे जैसे आप दूर आते जाएंगे ई का मान धीरे धीरे क्या होता जाएगा, घटता रहेगा, क्या होता जाएगा, घटता जाएगा। याद कीजिए दूसरा चैप्टर, मैंने बताया वहां पर कि जैसे जैसे आप एक्स मतलब ई की डायरेक्शन में आगे बढ़ते जाएंगे क्या होता जाएगा, वैद्युत क्षेत्र का मान क्या होता जाएगा बेटा, घटता जाएगा। वैद्युत क्षेत्र का मान घटेगा तो ये क्या होगा, वी एक्स क्या होगा, घटेगा, वी एक्स क्या होगा, घटेगा। यहां पर लिखेगा वैद्युत क्षेत्र घटने के कारण वैद्युत क्षेत्र घटने के कारण क्या घटेगा बेटा, वी एक्स घटेगा, ठीक है। तो अब बेटा यदि पाथ की बात करें तो पाथ तो आपको पता है कि बेटा कैसा होना है, हेलिकल होना है, ये हम खेला किसके लिए कर रहे हैं, पिच के लिए कर रहे हैं, ठीक है, ध्यान समझो। तो ये बेटा अब आपकी जो पिच बनेगी शुरुआत में तो ये ज्यादा होगी, फिर कम, फिर कम, फिर कम, फिर ऐसे, बात समझ में आ गई, क्योंकि जब देखो बी एक्स घटेगा, बी एक्स क्या होगा, घटेगा, तो टाइम तो वही है एक चक्कर के लिए, तो वी एक्स क्या होता जाएगा बेटा, घटेगा, तो घटा फिर बढ़ा तो और घटता हुआ जाएगा ना, यानी कि ये क्या रहा पी वन, ये क्या रहा बेटा पी टू, और ये क्या रहा बेटा पी थ्री, तो यहां से देखोगे तो क्या है पी वन बड़ा है किससे, पी टू से, पी टू बड़ा है पी थ्री से, तो पिच यहां पर भी क्या है वेरिएबल है, पिच क्या रहेगी, पिच जो है वेरिएबल रहेगी, मतलब पिच क्या होती जाएगी, घटती जाएगी, क्या रहेगी, घटती जाएगी। रीजन बता दिया क्यों घटेगी, क्यों घटेगी, क्योंकि जैसे जैसे वैद्युत आप वैद्युत क्षेत्र की दिशा में आगे बढ़ोगे तो वैद्युत क्षेत्र का मान क्या होता जाता है, कम होता जाता है। चलो छाप लो इसे। अच्छा यहां पर इसकी रेडियस की बात हो जाएगा, रेडियस कितना होगा, आर बराबर कितना हो जाएगा, एम परपेंडिकुलर वेलोसिटी, तो वेलोसिटी कितनी है वी नॉट परपेंडिकुलर, वी नॉट साइन थीटा डिवाइडेड बाई क्यू वी, ये वृत्तीय गति की जो त्रिज्या है वृत्तीय पथ का वो इतना होगा। छापो। अब बेटा केस नंबर टू लगाइएगा, हेडिंग लगाइएगा केस नंबर टू, क्या कह रहा है कि जब आपका जो चुंबकीय क्षेत्र है बेटा, जो चुंबकीय क्षेत्र है और जो वैद्युत क्षेत्र है वो क्या हो, एक दूसरे के लंबवत हो। अभी तक क्या थे बेटा, समांतर थे, अब क्या है, एक दूसरे के लंबवत हो। तो लिखिएगा जब वैद्युत क्षेत्र तथा चुंबकीय क्षेत्र एक दूसरे के
लंबवत हूं। बहुत बढ़िया, ये वाला केस करके आज का ये लास्ट टॉपिक है, खत्म करते हैं जल्दी से। चलो यहां पर बेटा आवेश कैसा है, आवेश Q इनके लंबवत V नॉट वेग से गति कर रहा है। देखना समझना क्या चीज है, कैसे है, समझ में आ जाएगा। बनाए फिगर, देखो बेटा ये रही, सॉरी हम मान लेते हैं कि इधर आपकी एक प्लेट है, ये प्लस है, इस पर कैसा है प्लेट पर प्लस आवेश है, कितना है बेटा प्लस आवेश है। नीचे आपकी प्लेट है माइनस वाली, मतलब ऋणात्मक आवेश है, ठीक है। अब आपकी जो चुंबकीय उसकी वैद्युत क्षेत्र की जो दिशा होती है बेटा, वो पॉजिटिव चार्ज से निगेटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज से निगेटिव चार्ज की ओर, ये मैं बता रखा हूं। चलो तो ये क्या है बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड की दिशा, ठीक है, बहुत बढ़िया। अब ये कह रहा है तथा बी, एक इलेक्ट्रिक फील्ड तथा बी एक दूसरे के क्या है, लंबवत है। हमने मान लिया कि जो वैद्युत क्षेत्र है वो बेटा किधर है, अंदर की ओर है, किधर है, अंदर की ओर है, तो मान लिया। मानने में क्या जा रहा है बेटा, ये वी है अंदर की ओर, ठीक है, अंदर की ओर बेटा ये आपका भी है, क्लियर है। अब यहां पर हमने मान लिया, हमने क्या माना बेटा कि यहां पर अब एक आपका आवेश है, ये क्यू नॉट, ये क्यू है, क्या है बेटा क्यू आपका एक आवेश है, थोड़ा ध्यान से समझना। और ये वी नॉट के वेग से बेटा आगे की ओर गति कर रहा है, ठीक है। तो यहां से देखो तो चुंबकीय क्षेत्र किधर है बेटा, अंदर की ओर है, और ये जो क्यू है बेटा वो किधर आ रहा है, इधर आ रहा है, मतलब कैसा है बेटा, लंबवत है, किधर है, ध्यान से देख लो ना, ये लंबवत दिख रहा है, ठीक है, इधर कहीं भी आगे पीछे चले जाओ तो कैसा है, लंबवत है, यानी कि वेग किसके लंबवत है, चुंबकीय क्षेत्र की। तो वी नॉट परपेंडिकुलर है किसके, वी के, क्लियर। अच्छा और बेटा क्या है, देखो ये आपकी नीचे आ रही है चुंबकीय क्षेत्र, ये इलेक्ट्रिक फील्ड किधर है, नीचे की ओर है, और वेग बेटा अभी भी इधर है, तो एंगल इनके बीच का कितना है बेटा 90, यानी कि यहां पर क्या दिया हुआ है बेटा, V नॉट परपेंडिकुलर है किसके बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड के भी, किसके है, इसके भी इलेक्ट्रिक फील्ड है, क्लियर है। चलो बहुत बढ़िया, तो यानी कि ये दोनों, अच्छा यहां पर एक चीज और दिया हुआ कि ये दोनों भी एक दूसरे के क्या है, लंबवत है, यानी E परपेंडिकुलर टू V है, ये चीज है, क्लियर हुआ। चलिए अब यहां पर देखो, यहां पर आपका आवेश लगेगा, क्या लगेगा, बल लगेगा, क्या लगेगा बेटा, बल लगेगा। देखो तो चुंबकीय बल, वो वैद्युत क्षेत्र बेटा, जो वैद्युत क्षेत्र के कारण, वैद्युत क्षेत्र की डायरेक्शन किधर है, माइनस वाई की तरफ है, ध्यान देना किधर है, ये मान के चलो कि ये बेटा कैसा है आपका, ये आपकी एक्स डायरेक्शन है, ये कैसा है वाई डायरेक्शन, ठीक है। तो नीचे की ओर बेटा कैसा होगा, माइनस वाई कि नहीं होगा, ठीक है, ऊपर की ओर पॉजिटिव माने तो नीचे की ओर क्या है, निगेटिव, इधर प्लस का एक्स तो उधर माइनस का एक्स, क्लियर। चलो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, तो इस पर बेटा आपका क्या लगेगा, बल लगेगा, कौन सा बल लगेगा, चुंबकीय बल लगेगा, क्या वो कौन सा, वैद्युत बल लगेगा, क्या लगेगा, वैद्युत बल, इस क्यू आवेश पर वैद्युत बल लगेगा, किस दिशा में लगेगा, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में, तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा बेटा किधर है,
नीचे की ओर, नीचे की ओर मतलब किस दिशा में है, माइनस को वाई डायरेक्शन में, यानी कि आप क्या लिख सकते हो कि इस पर बल लगेगा कितना, एफ ई वाई डायरेक्शन में, किधर लगेगा बेटा, वाई डायरेक्शन में बेटा बल लगेगा, कितना लगेगा, क्यू इंटू ई। ये क्लियर कि नहीं, क्लियर है, चलो बहुत बढ़िया। ये नीचे की ओर लग रहा है तो ये बल बेटा किधर लग रहा है, नीचे की ओर, बना दूं मैं, ये बल बेटा आपका नीचे की ओर इस पर एक बल लग रहा है, ये लगा, एफ ई बल लग रहा है, कौन सा, एफ ई बल लग रहा है, ठीक है, क्लियर। अच्छा अब ऊपर की ओर के लिए आ जाते हैं ना। अच्छा अब इस पर चुंबकीय क्षेत्र भी तो है ना बेटा, कि नहीं है, है? चुंबकीय क्षेत्र है, तो चुंबकीय क्षेत्र बेटा किधर है, अंदर की ओर है, किधर है, अंदर की ओर। हथेली बेटा किधर करना है, ये अंगुलियां किधर करना है, दाहिने हाथ की, अंदर की ओर। और ये जो आपका जो अंगूठा है बेटा किधर करना है बेटा, अंगूठा किधर करना है, आवेश की गति की दिशा में, तो आवेश किधर बेटा, एक्स अक्ष की दिशा में, तो ये अंगुलियां इधर, तो अंगूठा हमारा इधर, ये डायरेक्शन हो गई, देखो 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 हो गई। अब ये हथेली हमारी किधर है, ऊपर की ओर है, यानी चुंबकीय बल बेटा किधर लगेगा, ऊपर की ओर लग रहा है, ये रहा, नहीं आया, आया, ये रहा बेटा चुंबकीय बल FM, ठीक है, चलो बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया उम्दा। तो अब यहां से क्या करना है कि ये तो आ गया हमारा माइनस का वाई डायरेक्शन में लग रहा है बेटा, किधर लग रहा है, माइनस का वाई डायरेक्शन में, और जो आपको मैग्नेटिक फील्ड्स लग रहा है ये FM बेटा, ये किधर लग रहा है बेटा, प्लस का वाई में, प्लस का वाई डायरेक्शन में लग रहा है। अब कितना लग रहा है बेटा, क्यू वी वी साइन थीटा, थीटा बेटा क्या है, V और V के बीच का एंगल, तो V और V के बीच का एंगल कितना है, परपेंडिकुलर है, यानी कि 90 डिग्री, थीटा बराबर कितना हो गया है बेटा, 90 डिग्री, तो FM बराबर कितना, QVV साइन 90 की वैल्यू एक, कितना हो गया बेटा, इतना, क्लियर है कि नहीं, क्लियर है ना। अच्छा तो देखो ये दोनों बल यदि एक दूसरे के क्या हो जाएं, बराबर हो जाएं, यदि ये बल इलेक्ट्रिक बल और मैग्नेटिक बल क्या हो जाएं, बराबर हो जाएं, विद्युत बल और चुंबकीय बल बेटा क्या हो जाएं, बराबर हो जाएं, तो यहां पर क्या होगा, पहला नंबर ए नंबर देखो, यदि FM बराबर बेटा क्या हो जाए, एफ ई हो जाए, यही ना, तो ये बेटा यदि ये बराबर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, FM बराबर ये इसके हो जाएगा, FM बराबर क्यू ई हो जाएगा, तो FM बेटा कितना है, क्यू बी बी है ना, कि नहीं है, FM बराबर क्यू बी बी, और ये कितना है, क्यू इंटू ई, ये कैंसिल, बेग बराबर कितना आ जाएगा बेटा, ई अपॉन वी, कितना आ गया, बेग बराबर ई अपॉन वी, ये वी बराबर क्या आया, वी नॉट ही तो बेटा बेग है, चलो तो यदि आपका जो बेटा वी नॉट है वो कितना है बेटा, इतना ई अपॉन वी है, तो वो कैसे चलेगा बेटा, देखो ये इधर ठीक है, यदि आपने किसी को, कोई एक कण है नीचे हो उतना ही बल लगा रहे हो जितना ऊपर लगा रहे हो, तो ये वी नॉट वेग से बेटा कैसे चलाएगा, सीधे सीधे चलाएगा, सीधी रेखा में गति कर जाएगा, ध्यान समझो भाई, जितना बल आप इधर, ठीक है, एक पहलवान इधर से खींच रहा है इसे, एक पहलवान इसको इधर से खींच रहा है, और ये धीरे, तो ये क्या होगा, ये दोनों नलीफाई हो जाएंगे, ठीक है भाई, एक को नीचे खींच रहा है जितना, उतना ही ऊपर खींच रहा है, तो वो वस्तु क्या हो जाएगी, लटक जाएगी। अब इस पर नेट बल किधर लग रहा है, इधर आगे की तरफ वेलोसिटी आ रही है ना, तो ये क्या हो जाएगा, सीधे निकल जाएगा, यानी कि ये इधर भी इस वाले केस में कैसी गति करेगा, यदि v नॉट बराबर ई वाई वी हो जाएगा बेटा, कैसी गति करेगा, स्ट्रेट लाइन, कैसे गति करेगा, सीधे रेखा में चला जाएगा, ठीक है, स्ट्रेट लाइन मोशन होगा, कैसा होगा, स्ट्रेट लाइन मोशन, ये क्लियर हो गया, और कुछ, चलो बहुत बढ़िया।
अब बेटा बी पर आते हैं, दूसरा केस। अब यार ये भी तो हो सकता है ना, थोड़ा ध्यान से समझ लो, ये भी तो हो सकता है कि यदि क्या हो जाए कि आपका जो है एफएम बड़ा हो जाए, किससे एफएम बड़ा हो जाए, किससे एफई से, ठीक है। एफएम क्या हो जाए बेटा, बड़ा हो जाए, ध्यान से ध्यान समझना अब, एफएम बड़ा हो जाए किससे, एफई से, यानी कि यदि एफएम बड़ा हो गया तो ये वाला क्या हो गया कम, तो अब जो बड़ा होगा, कोई नीचे से खींच रहा कोई ऊपर से खींच रहा, मान लो सोचो कि नीचे से कोई 5 साल का लड़का है, ऊपर कोई 25 साल का लड़का है, खींच रहा है तो किधर चला जाएगा वो 25 साल के लड़के की तरफ, भाई सिंपल सी बात है ना, ये वाला क्या हो जाएगा, उसके पास ज्यादा बल है बेटा, तो ये क्या होगा, तो ये तो इधर जाना चाहेगा, ये इधर जा रहा है, ये कहेगा नहीं तुम मेरे पास चलो, तो ये कह रहा सामने चलो, तो कहेंगे दोनों लोग हम क्या करते हैं, एक ना तुम हमारी तरफ चलो ना हम तुम्हारी तरफ चले, और कैसे चलते हैं, दूसरा रास्ता बना लेते हैं, तो ये उस पर गति करेंगे, तो ये बेटा कैसी गति करने लगेंगे, इधर गति करने लगेंगे, कुछ ऐसे गति करेगा ये, भाई ये इधर आ रहा है, ये एक ऊपर खींच रहा है, एक इधर खींच रहा है, तो ये किधर, ना ऊपर जाके ना नीचे जाके, वो कैसे जाएगा, ऐसे पैराबोलिक गति करने लगेगा, करेगा कि नहीं करेगा, यानी कि ये जो आपका बल है ये कुछ ऐसे, ये V नॉट रहा, ये FM रहा, ये अधिक है, तो ये कुछ ऐसे गति करेगा, करेगा इसका ग्राफ कुछ ऐसे बनेगा, और इस ग्राफ को क्या बोलते हैं, अपवर्ड, ये ऊपर की ओर है ना, तो इसे क्या बोलते हैं, अपवर्ड पैराबोलिक, क्या बोलते हैं, अपवर्ड पैराबोलिक ग्राफ, अपवर्ड पैराबोलिक, पैराबोलिक ग्राफ, ठीक है। चलो अब तीसरा केस, तीसरा केस बेटा क्या है, तीसरा केस है, ध्यान से समझना कि क्या है, तीसरा केस है कि यदि आपका नीचे वाला भी तो अधिक हो सकता है ना बेटा, नीचे वाला अधिक हो सकता है, मतलब कि इलेक्ट्रिक फोर्स अधिक होता है बेटा, किससे किससे अधिक हो सकता है, इलेक्ट्रिक फोर्स लिख दो, यदि यदि एफ ई अधिक है किससे, एफ एम से, तो देखो बेटा ध्यान से समझो, अब ये नीचे वाला अधिक हो गया तो ये ऊपर वाला उसका बल नहीं लगेगा, तो ये क्या होगा, ये वाला नीचे की ओर गति करने लगेगा, किधर गति करने लगेगा, नीचे की ओर, वो भी कैसे गति करेगा, इससे, ठीक है, करेगा, यानी कि ये जो है कैसे गति कर रहा है बेटा, ये रहा हमने ये बनाया, ये एफ ई रहेगा, ये एफ एम रहेगा, ठीक है, तो ये जो ये सॉरी एफ एम नहीं है, ये क्या है बेटा, वी नॉट है, तो ये किधर गति करेगा, कुछ ऐसे, तो यदि नीचे की तरफ है ना, ये नीचे की तरफ पूरा है, तो इसे क्या बोलते हैं, डाउनवर्ड पैराबोला, क्या बोलते हैं, डाउनवर्ड पैराबोलिक ग्राफ, बात समझ में आ गया। तो चलिए बेटा आज के लिए इतना ही अपन लोग करते हैं, ठीक है, कल इस पर बेस्ड कुछ क्वेश्चन देखेंगे, और सबसे पहले इस पर जो बोर्ड में आपका आता है, ठीक है, वो हम देखेंगे, क्या है, साइक्लोट्रॉन, क्या देखेंगे, साइक्लोट्रॉन, जो बोर्ड में मे भी मतलब हर दूसरे साल तो याद नहीं तो तीसरे साल आपसे पूछ लेता, तीन नंबर में आता है, ठीक है, तीन नंबर चार नंबर में, वो भी सीबीएसई बोर्ड का, यूपी बोर्ड का बारे में मेरे को पता नहीं है कितने का आता है क्या नहीं आता, लेकिन क्योंकि यदि वहां भी आता है तो क्योंकि अब आपका सिलेबस क्या है बेटा सेम हो गया, तो मे बी वो आपसे यहां से क्वेश्चन पूछ सकता है। तो चलिए मिलते हैं बेटा आपसे अगले लेक्चर में, थैंक यू वेरी मच। यदि अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और टेलीग्राम पे जो चैनल है उसको जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि वहां पर मैं आपको प्रैक्टिस सेट देता हूं, ठीक है। चलिए मिलते हैं अगले लेक्चर में, थैंक यू वेरी मच।